डिफ्यू वेबसाइट के डैशबोर्ड में आपका स्वागत है। इस मैनुअल में हम आपको इसकी फंक्शनलिटी से परिचित कराएंगे। डैशबोर्ड, आइए साइट पर डैशबोर्ड सेक्शन से परिचित होना शुरू करें। साइट खोलने पर हमें तुरंत 5 विजिट दिखाई देते हैं। आइए देखें कि उनमें से प्रत्येक क्या दर्शाता है। माई स्प्लिट स्टेटस में 2 विजिट हैं। अवेलेबल स्प्लिट दर्शाता है कि वर्तमान समय में निकासी के लिए कितने स्प्लिट टोकन उपलब्ध हैं। टोटल पेआउट स्प्लिट, कितने स्प्लिट टोकन पहले ही निकाले जा चुके हैं। स्प्लिट लाइसेंस स्टेटस दर्शाता है कि आपने अपने लाइसेंस लिमिट का कितना उपयोग किया है। आप किसी भी समय इंक्रीज लाइसेंस बटन पर क्लिक करके लाइसेंस की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। स्प्लिट लाइसेंस यूजेज में कई इंडिकेटर शामिल हैं। टोटल स्प्लिट लिमिट दर्शाती है कि आप अपने लाइसेंस के तहत कितने विभाजित टोकन प्राप्त कर सकते हैं। अवेलेबल लिमिट दर्शाती है कि आप कितने अधिक विभाजित टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यूज्ड लिमिट, आपको अब तक कितने टोकन प्राप्त हो चुके हैं। ग्लोबल स्प्लिट स्टेटस दर्शाती है कि वर्तमान समय में मार्केट में कितने स्प्लिट टोकन मौजूद हैं। रिवॉर्ड पर स्प्लिट दर्शाता है कि वर्तमान समय में एक स्प्लिट टोकन रखने पर आपको कितना अल्टिमा प्राप्त होगा। करंट होल्डिंग पीरियड से पता चलता है कि कितने अल्टिमा टोकन वर्तमान समय में दैनिक आधार पर मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट हेल्विंग सेक्शन में यह जानकारी होती है कि अगला होल्डिंग कितने ब्लॉक में होगा। नीचे दिए गए पेज को स्क्रॉल करने पर आपको होल्डिंग रोल वाला एक विजिट दिखाई देगा। याद रखें कि हर दिन मार्केट में जारी अल्टिमा की संख्या 10 मिलियन ब्लॉक से घट जाती है। 2028 तक प्रतिदिन एक अल्टिमा टोकन मार्केट में प्रवेश करेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके लाइसेंस खरीदना और अपने वॉलेट में हर दिन अल्टिमा टोकन प्राप्त करना शुरू करना समझदारी है। नीचे आप खरीदारी के लिए उपलब्ध लाइसेंस और विभाजित कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। लीजेंडरी प्रोमो टैब पर आप लीजेंडरी प्रोमो के हिस्से के रूप में उपलब्ध लाइसेंस देखेंगे, जो बिक्री की शुरुआत में एक विशेष पेशकश है। इन लाइसेंसों को खरीदने पर आपको विभाजित कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की लिमिट से 4 गुना अधिक और अल्टिमा टोकन 4 गुना अधिक मिलेंगे। माय लाइसेंसेस, आइए अगले मेन्यू माय लाइसेंसेस सेक्शन पर जाएं। इस पेज पर लाइसेंस की सेक्शन में आपको खरीदे गए लाइसेंसों की एक लिस्ट मिलेगी और आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक्टिवेशन हिस्ट्री टैब पर आप उन एक्टिवेशन की के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिनका पहले ही उपयोग किया जा चुका है। लाइसेंस की सेक्शन में निम्नलिखित जानकारी शामिल है: ऑर्डर नंबर, खरीद की तारीख, पैकेज का नाम, एक्टिवेशन की, ऑर्डर की राशि, स्टेटस। एक्टिवेशन हिस्ट्री सेक्शन में एक्टिवेशन की डेटा वाली एक लिस्ट है। एक्टिवेशन की तारीख, एक्टिवेशन की, कॉन्ट्रैक्ट की खरीद पर लिमिट का आकार, माय कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं, माय कॉन्ट्रैक्ट्स। इस पेज पर आप स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के बारे में निम्नलिखित जानकारी पा सकते हैं: ऑर्डर नंबर, खरीद की तारीख, पैकेज का नाम, स्प्लिट की संख्या, ऑर्डर की राशि, स्मार्ट वैलेट। अगला सेक्शन स्मार्ट वैलेट है। यहाँ आप अपने डिवाइस पर स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। पे आउट, पे आउट सेक्शन पर जाएं। यहाँ आपको आपके द्वारा किए गए पे आउट के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिलेगी: ट्रांजेक्शन आईडी, तारीख, वॉलेट का एड्रेस, साइज, स्टेटस, हैश, सपोर्ट। मेन्यू का अंतिम सेक्शन सपोर्ट है। इसमें यदि आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम को टिकट भेज सकते हैं। इसलिए हमने आपको DFU वेबसाइट से संक्षेप में परिचय कराया। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कभी भी हमारी सपोर्ट टीम को भेज सकते हैं।